Hello friends, most welcome on my YouTube channel Best Career Institute. First of all, subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the notification of videos. Today we are going to discuss about modern theory of origin of life. This theory was proposed by A.I. Oparin and J.D.S. Haldane. A.I. Oparin was Russian scientist and J.D.S. Haldane was England born Indian scientist. A.I. Oparin was Russian scientist and J.D.S. Haldane was England born Indian scientist. This theory is based on chemical evolution. A.I. Oparin and J.D.S. Haldane theory based on artificial synthesis, so it is called artificial synthetic theory. तो बाबू टॉपिक हम लोग क्या लेते हैं? modern theory of origin of life. modern theory of origin of life. इसी थ्योरी को आज हम लोग को समझना है. मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या क्या बताता है? तो सबसे पहले इनके साइंटिस्टों का नाम लिख लेते हैं. किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाई A.I. Oparin and J.D.S. Haldane. A.I. Oparin was Russian scientist, J.D.S. Haldane was England born Indian scientist. According to this theory, life originated from chemical evolution. According to this theory, life originated from chemical evolution. According to this theory, life originated from chemical evolution. लाइफ का ओरिजिनेशन कहां से हुआ? केमिकल इवोल्यूशन से हुआ. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस थ्योरी यह बताता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थ्योरी बताता है कि लाइफ का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, तो केमिकल इवोल्यूशन से हुआ. अब केमिकल इवोल्यूशन पर जब हम लोग बात करेंगे तो केमिकल इवोल्यूशन में पांच चीजों पर बात की जाती है. क्या क्या? तो पहला नंबर केमिकल इवोल्यूशन है क्या? केमिकल इवोल्यूशन हम लोग उतना डीपली नहीं पढ़ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं. एनसीईआरटी में तो उसको बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया है. एक थ्योरी को सब पढ़ा जाता है, जब आप लोग बीएससी में जाइएगा तो इस थ्योरी को पढ़ा जाएगा. उसमें पढ़ा जाता है सबसे पहले एटॉमिक स्टेट्स. दूसरा जो पॉइंट पढ़ा जाता है मोलेकुलर स्टेट्स. थर्ड पॉइंट जो पढ़िएगा, ओरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड. फोर्थ पॉइंट जो पढ़िएगा बाबू, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड.
एंड फिफ्थ पॉइंट जो पढ़िएगा, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है आप लोग? कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक केमिकल सॉल्यूशन को हम लोग कितने पॉइंट पर पढ़ जाते हैं, कितने स्टेज में पढ़ जाते हैं? फाइव स्टेज में पढ़ जाते हैं। जो पहला स्टेज है एटॉमिक स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है मॉलिक्यूलर स्टेज है, थर्ड स्टेज क्या है ओरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो प्रिमेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड आए थे प्रिमेटिव एटमोस्फियर में, प्रिमेटिव ओशियन में, उस कंडीशन को पढ़ा जाता है। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पांच पॉइंट पढ़े जाते हैं और इस पांच पॉइंट में ही केमिकल इवोल्यूशन इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, या एक एक विषय में मैं बात भी कर दे रहा हूं। पहला नंबर एटॉमिक, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लेने के बाद एक एक विषय में मैं बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सबसे जो पहला स्टेज है बाबू एटॉमिक स्ट्रेस, ये एटॉमिक स्ट्रेस क्या था? तो एटॉमिक स्ट्रेस में यह पढ़ा जाता है कि सबसे जो प्राइमरी और प्रिमेटिव एटम आए वो कौन कौन एटम थे। तो प्रिमेटिव एटम जो थे वो थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये लाइट एटम थे, ये लाइट एटम थे, और इनसे किसका फॉर्मेशन हुआ? तो फॉर्म्ड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। इनसे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था इन्हीं चार एटम से बने, और मोस्ट अबंडेंट जो था वो कौन था? तो हाइड्रोजन था। मोस्ट अबंडेंट कौन था? हाइड्रोजन था। दूसरी बात जो हम लोग इसमें मोलिकुलर स्टेज में पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, ए फर्स्ट पॉइंट, ए सेकेंड स्टेज हो गया मोलिकुलर स्टेज, मोलिकुलर स्टेज। मोलिकुलर स्टेज में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मोलिकुलर स्टेज में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रिमिटिव कंपाउंड के तौर पे, और जब एटम आपस में कंबाइन होते गए थे किसका फॉर्मेशन थी? तो प्रिमिटिव कंपाउंड जो बने थे, प्रिमिटिव मोलिकुल जो बने थे, वो मोलिकुल थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड N2 एंड H2। प्रिमिटिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड N2 एंड H2 ये मोलिकुलर स्टेज में इनका फॉर्मेशन हुआ था। और इन्हीं के साथ साथ और भी कंपाउंड बने थे। जैसे मोलिकुलर कंपाउंड जो थे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये VVIP है, यहीं पर मैं नोट कर देता हूं। फर्स्ट मोलिकुलर कंपाउंड फॉर्म वेयर प्रोबेबली वाटर एंड अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया, ठीक है। ये सारे जो कंडीशन हुए थे मोलिकुलर स्टेज के कंडीशन थे। इसके आगे जो थर्ड पॉइंट जाता है ओरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं। जो थर्ड स्टेज था केमिकल इवोल्यूशन का, ओरिजिन
ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस हस्टेन में क्या है? इसमें वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन कार्बाइड मिलकर मेथेन का फॉर्मेशन किया। इस हस्टेज में वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन कार्बाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन किया? मेथेन का फॉर्मेशन किया, मेथेन बन गया। और लेटर ऑन हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्म, हाइड्रोजन साइनाइड का भी फॉर्मेशन हो गया। चौथा जो पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बाबू, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फर्स्ट पॉइंट है, वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन। हमको इसी पर बात करनी है। वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ किसको कंटेन किया? तो मेथेन को, लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन। और क्या बाबू? हाइड्रोजन साइनाइड कार्बाइड नाइट्राइड एंड दिस कंपाउंड्स कंबाइन और इंटररिएक्ट एंड फॉर्म्ड अदर टाइप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड इंटररिएक्ट एंड फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या थे? लाइक एल्डिहाइड, जानते हो आप लोग, कीटोन, जानते हो नहीं जानते हो? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, प्यूरिंस हो सकते हैं, प्यूरिंस। और क्या हो सकता है बाबू? पिरामिडिन्स हो सकता है, पिरामिडिन्स इटीसी। एक किसका किसका फॉर्मेशन कर दिया? वाटर जो प्रिमिटिव ओशियन में जो वाटर प्रेजेंट था, वो लार्ज अमाउंट में किसको किसको कंटेन कर रखा था? मेथेन को, हाइड्रोजन साइनाइड को, कार्बाइड को, नाइट्राइड को। और ये सब जब आपस में इंटररिएक्ट किए तो इसने बहुत सारे ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर दिया और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, पेंटोज शुगर, हेक्सोज। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या? पेंटोज, हेक्सोज शुगर,
पीटीसी, ये सबका फॉर्मेशन कर दिया। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या बना, वाटर वेपर और हाइड्रोजन कार्बाइड मिलकर मेथेन का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद एचसीएल बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड बना। जो प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर था, प्रिमिटिव ओशियन के वाटर में ये सारे कंपाउंड प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन साइनाइड था, मेथेन था, कार्बाइड था, नाइट्राइड था, आपस में इंटरलिंक्ड किए, अंतः अभिक्रिया हुई, इनके बीच में अभिक्रिया चली, और अभिक्रिया के फलस्वरूप, रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या बन गए, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जो कि एल्डिहाइड थे, कीटोन थे, फैटी एसिड थे, ग्लिसरॉल थे, प्यूरिन्स थे, पिरामिडिन्स थे। प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का मतलब, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स का मतलब, प्यूरिन्स आप लोग को मैं डीएनए का स्ट्रक्चर में बताया, प्यूरिन्स क्या होता है और पिरामिडिन्स क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिन। एक आप लोग को ट्रिक बताया हूं, पीएजी, एडेनिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये क्या है, प्यूरिन्स है, और पिरामिडिन्स क्या है, पिरामिडिन्स हो जाएगा थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिन। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताता हूं। तो ये सारे फॉर्मेशन कितने हुए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मींस फोर्थ स्टेज में। अब हम लोग को एक स्टेज केमिकल इवोल्यूशन में पढ़ना है, वो कौन सा स्टेज है, फिफ्थ स्टेज। चलिए फिफ्थ स्टेज क्या था, बहुत ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना है तो सिंपल ही कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, सिंपल ही कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। मींस जो अमाइनो एसिड था उसमें अमाइनो एसिड भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना था, अमाइनो एसिड मैं इसको ए एसिड नोट करता हूं, ए ए, मान लो इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं, अमाइनो एसिड, मान लो एक अमाइनो एसिड है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हम आप लोग को बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं। तो मान लो इसको इंडिकेट करते हैं अमाइनो एसिड फर्स्ट, अमाइनो एसिड सेकेंड, डॉट 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 प्लस अमाइनो एसिड, मान लो मैं 20 कर दूं या कुछ भी कर दूं। अब इससे जो अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड जो कंबाइन हो रहा है तो किसी न किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और क्या बन जाएगा, हो सकता है प्रोटीन और पेप्टाइड बनाए, प्रोटीन बनाएगा और पेप्टाइड बनाएगा। उसी तरह शुगर प्लस शुगर या और डॉट डॉट में कुछ लिख लीजिए, शुगर ऐसा मिलेगा, क्या बनाएगा, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, किसका फॉर्मेशन कर देगा, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, फैट्स एंड लिपिड का फॉर्मेशन कर देगा, इसे क्या क्या बन जाएंगे, फैट और लिपिड बन जाएंगे। तो इस तरह करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही किसका फॉर्मेशन हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एक दूसरे से कंबाइंड हो गए तो फॉर्मेशन किसका कर दिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिए। यही है केमिकल इवोल्यूशन, और केमिकल इवोल्यूशन में कुछ नहीं है, इतना डीपली आप लोग को अदर जगह पर नहीं मिलेंगे जब तक आप लोग बीएससी में नहीं जाइएगा, लेकिन
जानकारी के लिए केमिकल इवोल्यूशन की जानकारी के लिए, बिकॉज थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस पर बेस्ड है, इसलिए यहां तक हम लोग को जानना जरूरी था। बिकॉज जितना भी पढ़ो टोटल पॉइंट को समझ में आने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग इतना याद कर लीजिए, उसके बाद फिर कभी ये भूल नहीं पाइएगा, पूरे बातों को याद कर लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एआईओपेनिन एंड जेवियर्स हेल्डेन के। चलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो था बाबू पहली बार उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अनुसार कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम केमिकल इवोल्यूशन। दूसरा जो पॉइंट था फर्स्ट लाइफ वॉज फॉर्म इन वाटर ऑफ ओशियन। फर्स्ट लाइफ इन्होंने बताया कि फर्स्ट लाइफ जो आया था कहां पर आया था, वाटर में आया था। सो वाटर इज एसेंशियल, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज ये एसेंशियल है। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर। इन्होंने अपने एविडेंस में दिया कि मून पर कोई भी लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पर वाटर नहीं है। देयर इज नो एनी लाइफ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वाटर। तीसरा जो पॉइंट इन्होंने बताया कि पहले का जो एटमोस्फियर था वो रिड्यूसिंग था, जबकि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाने के बाद एटमोस्फियर कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीडाइजिंग हो गया। फ्री ऑक्सीजन वॉज अब्सेंट सो प्रिमिटिव लाइफ वॉज एनारोबिक। ऑक्सीजन के अब्सेंट में जो रेस्पायरेशन होते हैं उसी को एनारोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। मतलब पहले फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए पहला जो लाइफ था ऑक्सीजन के अब्सेंट में ही उसको रेस्पायरेशन करना पड़ता था, इसलिए वो एनारोबिक था। क्या था? एनारोबिक था। अगला पॉइंट है कि प्रिमिटिव लाइफ और प्रिमिटिव एटमोस्फियर में ऐसा बात नहीं था कि ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं था, बट कंप्लीट ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन कंपोजिशन। जो प्रिमिटिव एटमोस्फियर था उसमें फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, बिकॉज एटमोस्फियर में समुद्र नदी वगैरह सब कुछ आते हैं। लेकिन उस कंडीशन में हमारे वातावरण में समुद्र नदी जो कुछ भी है उसमें ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन था, बट कंज्यूम्ड था किसमें, कंपोजिशन के रूप में कंज्यूम्ड था। कुछ फ्री था तो वाटर के अंदर मौजूद थे, इसलिए जो लाइफ था उसको फ्री ऑक्सीजन मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फ्री ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट बट कंप्लीट ऑक्सीजन वॉज कंज्यूम्ड
इन कंपोजिशन शो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वास रेड्यूसिंग इन्होंने भी बताया कि फर्स्ट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहां से हुआ और किस प्रोसेस के कारण हुआ, फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इन ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या, ऑक्सीजन का घुल जाना, कहां पर एटमोस्फियर में ऑक्सीजन हो जाना, ही ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीजन की कमी क्या है, रिड्यूसिंग है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यही क्या था बाबू मॉडर्न थ्योरी था, किसका, एआईओप्रिन का और जेवियस हेल्डन का मॉडर्न थ्योरी था। और इसे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। मैं जाते जाते इसमें एक तो बात और इंक्लूड कर देना चाहता हूं कि अगर वाटर की कहीं भी कमी हो जाए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरी में इसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, थैंक यू बाबू। आप लोग अच्छे से पढ़ो और उम्मीद करता हूं जितने भी आप लोग चीज पढ़े उतना तो जरूर पढ़े ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। बहुत शॉर्ट और में किसी भी चीज को पढ़ना ना अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। किसी भी चीज को थोड़ा सा जब तक हम लोग डीपली नहीं पढ़ते चलते हैं उतना तक जरूर पढ़ो जहां तक आप लोग को समझने में आसानी हो, उतनी पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखें। थैंक यू।